हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप है और आज हम बस व्लॉग बनाने जा रहे हैं और आज हमें रोहतक जाना है और ये सुबह के 8 बज चुके हैं और अब हमें 10 बजे निकलना है और ये मैडम अभी तक सोई हुई है। पार्थ, उठ जा बेटा, जल्दी से उठो भाई। ओके गाइस, अभी थोड़ी देर में हम आपको फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, देखिए मैं और पार्थ तैयार हैं निकलने के लिए, बट जो सबसे पहले सुबह उठे थे वो अभी तक रेडी नहीं है। ये देखिए, अभी तक इनके शूज पहने जा रहे हैं। इनका सारा काम भी मैं करूं पर तैयारी पहले मैं ही हो जाऊं। अच्छा, सारा काम करूं तो उठे होऊंगा ही ना। ये देखिए, हम बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं बट ये महाशय अभी तक शूज पहन रहे हैं। ये पार्थ तैयार है। बेटा कौन पहले तैयार हुआ था? मैं। कोई भी नहीं, मम्मा तैयार नहीं हुई थी। पापा घर का काम भी तो करते हैं। पापा सारे घर का काम भी तो करते हैं। अरे रहने दो। अब हम निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे पहले मेट्रो में जाके बैठेंगे, मेट्रो से हम चेंज करेंगे। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। पार्थ, देख आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? मेट्रो में घूमने के लिए। हमारी गाड़ी में कुछ दिक्कत आई हुई है तो इस वजह से आज हमें मेट्रो में जाना पड़ रहा है। और दूसरा रीज़न ये भी था कि पार्थ ने मेट्रो में कभी ट्रैवल किया नहीं है तो उसको था कि मम्मा मेरे को मेट्रो में जाना है। आपको कैसा लग रहा है बेटा मेट्रो में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम आओगे मेट्रो में? आगे उसमें मेट्रो में से उतर के गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम रोहतक की तरफ जा रहे हैं। और जो पूजा है वो काफी अच्छे परांठे बना के लेके आई थी और काफी स्वादिष्ट थे, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं लेके आई। नहीं है तो अच्छी है, जो तारीफ है। ये है मेरी बहन, ये थोड़ी पतली ज्यादा है। ये वैसे आजकल डाइटिंग पे है, कुछ टाइम बाद आपको ये बिल्कुल स्लिम दिखेंगी। बहुत जल्द दिखने वाली हूँ मैं आपको स्लिम। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज रोहतक कुछ शॉपिंग करने के लिए और इनका नाम भी संदीप है। मेरा नाम संदीप है और इनका नाम भी संदीप। आज हम रोहतक शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में कोई त्योहार आएगा, ये दोनों बहन अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही है और हमने इसको इनको इसलिए गाड़ी चलाने के लिए बोल रखा है क्योंकि इनके चार चार आके लगी हुई है। तो ये ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाएंगे। तो गाइस, हम जा रहे हैं पार्थ के बर्थडे की शॉपिंग करने और करवा चौथ की शॉपिंग करने। और ये किसानों के टेंट लगे हुए हैं, आप देख रहे हो रोहतक रोड पे। और ये यहाँ पे किसान ही बैठे हुए हैं। हमें तो दिखाई दे रहा तंबू बैठे होंगे ना, बात नहीं बैठे हुए। आपने बोला था कि किसान बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। और ये टोल फ्री है। ये दोनों बहनें ऐसी हैं, आज तक हम 26 को मार्केट में लेके गए हैं, किसी भी दुकान पर किसी भी चीज के लिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि ये दोबारा उस चीज में फेरबदल पसंद इनको आई हो और वापिस फिर अपनी पसंद का फिर से लेके आना। तो गाइस, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये ब्लॉग पूरा होने के बाद 3 दिन के बाद हमारी रोहतक की ट्रिप फिर लग सकती है। ऐसा होता है प्रीति हमारे साथ? नहीं, ऐसा कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है कि हमेशा ही हम कोई चीज लेके आते हैं और फिर उसको चेंज करवाते हैं। वो भी अगर कोई डिफेक्टेड पीस निकल जाए, कोई डिफेक्टेड पीस आ जाए या कोई कमी हो जाए या कपड़ा थोड़ा हो जाता है कई बार, तो उस केस में हम चेंज कराते हैं। वरना ऐसा नहीं होता है जनरली कि हम कभी भी कोई चीज लेके आए और उसको हमेशा ही चेंज कराए। ये बिल्कुल गलत है और ये बात हमें दोबारा से बिल्कुल गलत साबित कर देंगे। यस, अच्छा झूठ बोल रहे हैं हम। और क्या, बहुत चेंज कराते हो आप लोग।
अभी बस गाड़ी से उतरने वाले हैं। देखो चारों तरफ कितना ट्रैफिक है, खाली पड़ा है। शोरी मार्केट में पहुंचने वाले हैं, वहां जाके हम नए ब्लॉग तैयार करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया हमने, क्या प्राइस है। आप जरूर देखना, शेयर करना और जैसा भी हो कमेंट्स करना। सारी काटेंगे तेरी यार। सारी फालतू बात बोल रहे। और वहाँ आपको हमारी एक और बहन देखने को मिलेगी जो कि हमारी तरह मेरी तरह है। नहीं नहीं, वो इनसे भी ज्यादा मोटी है। तो गाइस आप बताना दोनों में से ज्यादा मोटी कौन है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो अगर इसमें कोई आपको कुछ गलत लगता है या कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो हम शॉप पे आ गए हैं। ये वो हमारी सिस्टर है जो बहुत पतली है। पिंकी पर रेड रेड हो रही है। पिंकी पिंकी दीदी है ये हमारी, रेड रेड हो रही है। और आज ये हमें रोहतक शॉप पे लेके आई है सूट दिखाने के लिए। ये हम एक शॉप पे आए हैं, यहाँ हम सूट देख रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं। कौन सा पसंद आया? ये देखिए, इन्होंने इतने सारे सूट खुलवा दिए हैं। ये देखो पूरा ढेर लगा दिया सूटों का, खुलवा खुलवा के, और लिए अभी तक दो तीन सूट ही हैं। ये देखो आगे भी देखो, अभी तो देख ही रहे हैं। लो भाई सूट लो, इनको देखते रहोगे क्या? इतने अच्छे अच्छे सूट हैं, अलग अलग कलर में हैं, इतने सुंदर सुंदर कलर हैं। अच्छा अब हाँ ठीक, हाँ ये इन्होंने लाइन लगा दी है यहाँ पे साइड में। जी हमने ये सारे ले लिए हैं, बाद में आपको दिखाएंगे खोल के। बहुत टाइम लगा दिया यार शॉपिंग करने। पार्थ ना पार्थ, कितना परेशान किया बता दे बारी, कितना टाइम लगाया उन्होंने शॉपिंग करने में? 2000 टाइम लगा दिया। एक कितना परेशान कर दिया ना, बार बार सूट चेंज सूट चेंज। अब हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं, पर अभी अभी लगी हुई है, देखते क्या कर रही है। ये देखिए, हाँ हो गई शॉपिंग। कितने सूट ले ली पन्नी? चले करूँगी आज जी, आप भी बता दो। आपकी शॉपिंग हो गई? क्योंकि ये किसी और पे बेच रहे। मैडम जी आपकी शॉपिंग हो गई? हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, ये कपड़े किसके हैं यहाँ पे रखे? ये हमारे ही हैं। ये सारी हमारी शॉपिंग बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा दिख कम रहे पर ये है ज्यादा, इस पन्नी के अंदर है ना, बहुत ज्यादा थक गए हैं। चलो बाद में घर पे जाके देखेंगे। शॉपिंग करके आ गए हैं मार्केट से। राजा भाई ने फोन भी काट दिए। और ये हमारी बड़ी साली, इनके घर पे जा रहे हैं हम। और बंटू जी आपको कैसा लग रहा है, आप साली घर पे जा रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप काफी दिन से थे कि आप उत्साहित हूँ कि कैसा यहाँ पे वहाँ जाके साली कैसी हमारी कदर करती है। ये हम पहुंच गए हैं, ये मेरे सिस्टर के घर पे जा रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं, हम यहाँ से निकल चुके हैं, रास्ते में पानी भर चुका है रोड पे। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए बारिश यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश आई थी, पर हम अभी निकल लिए कि अभी हम काफी लेट हो रहे हैं यहाँ पे। ताऊ तो पहले साइड में बोले रे पानी ना पड़ जाओ, कोई चिट्ठी ना लागी सा दे पाट कालू कालू ने दूसरा कालू नहीं था वो कालू को पता भी कहीं था। वैसे पार जहाँ कहीं पानी नहीं भरा हुआ ना बेटा, अपने यहाँ तो बहुत पानी भर जाता है। रोहतक से आ गए हम बहादुरगढ़। अरे ये हम मेट्रो से उतर लिए हैं और हम घर जाने की तरफ हैं। फाइनली हम घर आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था, तो अगर कोई मिस्टेक हो या आपको कोई लगता है कि ये
ऐसे होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम ये, तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमने रोहतक से क्या क्या ख़रीदा है। तो देखिए, पार्क के बर्थडे के लिए हमने उसके ड्रेसेस ली हैं, और मेरे सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने ये सूट लिए हैं जो कि उनको आई होप कि पसंद आएंगे। बाकी देखते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं। और वो दिखाना मम्मी के लिए जो सूट है, ये सूट मैंने मम्मी के लिए लिया है जो कि मैं करवा चौथ पे मम्मी को देने वाली हूँ। तो ये थी हमारी रोहतक मार्केट से पार्क के बर्थडे की शॉपिंग। और अगर आपको हमारी ये शॉपिंग आज का व्लॉग पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो पार्क के बर्थडे की कुछ शॉपिंग तो हमने कर ली है आज, उसकी ड्रेसेस वगैरह ले ली हैं। बाकी और हम उसके बर्थडे पे उसको क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कि पार्क के लिए हम और क्या क्या लेने वाले हैं और उसको क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं।